नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको डेंगू फीवर के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा दोस्तों। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डेंगू फीवर जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा फैल गया है और हर एक शहर में डेंगू फीवर बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत सारे मरीज, बहुत सारे पेशेंट्स डेंगू फीवर के हॉस्पिटल में रहते हैं और जिनको डेंगू फीवर हो जाता है, और बहुत ज़्यादा मौतें भी हो रही हैं डेंगू फीवर के कारण हमारे देश में। तो बहुत बड़ा कंसर्न है ये डेंगू फीवर। और दोस्तों, मैं एक वीडियो बनाया था डेंगू फीवर से बचने के लिए, कैसे हम डेंगू फीवर से प्रिवेंशन करें, कैसे बचें और क्या होता है डेंगू फीवर, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों, वो वीडियो का मैं नीचे लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर वो वीडियो देख लीजिएगा। अभी मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा डेंगू फीवर के बारे में बताऊंगा और बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। अगर आपको डेंगू फीवर हो गया है तो क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं और क्या क्या सिनेरियो होता है डेंगू फीवर में, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, तो अलग अलग सिम्टम्स के लिए अलग अलग होम्योपैथिक मेडिसिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, डेंगू का जो बुखार होता है वो एक वायरल डिसीज़ है जो कि वायरस के कारण होता है, और डेंगू वायरस के कारण होता है जो कि मच्छर के काटने से हमें हो जाता है, और मच्छर के द्वारा ये बीमारी फैलती है दोस्तों। तो एबिस एगैप्टी प्रजाति के मच्छर के काटने से हमें डेंगू फीवर होता है जो कि डेंगू वायरस के कारण होता है। और जैसे ही वो मच्छर मुझे काटता है, मान लीजिए आज मुझे उसने काटा है, ठीक है, उसके बाद 4 से लेकर लगभग 12 दिन का समय लगता है, और 4 से 12 दिन के अंदर मुझे डेंगू के लक्षण जो है वो महसूस होने लगते हैं। और डेंगू के लक्षण में सबसे पहला जो लक्षण है वो है सर दर्द। सबसे पहले आपको सर दर्द महसूस होगा, हेडेक महसूस होगा, उसके बाद आपको बदन दर्द महसूस होगा, बॉडी एक महसूस होगा, फिर धीरे धीरे बुखार आना चालू हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया अप्रॉक्स 1 से 2 दिन के अंदर होने लगती है। मान लीजिए कि आज मुझे मच्छर काटा, 4th दिन हल्का सा सरदर्द हुआ, और 4th दिन सुबह सुबह सरदर्द हुआ, शाम तक मुझे बदन दर्द होने लगा, और रात में जब मैंने सोया तो मुझे हल्का सा बुखार आया। नेक्स्ट डे बुखार जो है वो बढ़ जाता है और पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा बदन दर्द करने लगता है दोस्तों। उसी के साथ साथ मुझे उल्टी सी भी आने लगेगी, और उल्टी आ भी जाएगी, और पूरे जो जॉइंट्स होते हैं, जो मेरे जोड़ होते हैं, वहाँ पर जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और मुझे मसल्स में, मतलब मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा दोस्तों। बुखार जो है वो एकदम से बढ़ता रहेगा। जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे बुखार आ गया तो दूसरे दिन और ज़्यादा तेज़ बुखार आएगा, और ज़्यादा तेज़ मुझे दर्द होगा, और ज़्यादा तेज़ मेरा सर दर्द होगा, और उल्टी सी आने लगेगी दोस्तों। अगर आपको डेंगू फीवर है तो आपको रैशेस पड़ सकते हैं, लाल लाल छोटे 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 दाने पड़ सकते हैं, या हल्के हल्के बिल्कुल दाने पड़ सकते हैं। रैशेज ऐसे ऐसे करेंगे तो पूरा लाल पड़ जाएगा। खासकर पीठ में आपको रैशेज हो सकते हैं, आपके हाथ में भी आपको रैशेज हो सकते हैं, कभी कभी यहाँ पर भी आपको रैशेज हो जाते हैं, यहाँ पर भी लाल लाल छोटे 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 आपको दाने दिखेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे दाने। अगर ऐसा दिखता है तो आप तुरंत जो है आप डॉक्टर को दिखाएं और डेंगू की जाँच जरूर कराएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये सब लक्षण होते हैं तो डेंगू की जांच ज़रूर करा लें दोस्तों। डेंगू फीवर जो है वो 2 से 7 दिन के अंदर अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे कंसर्न हैं, बहुत सारी चिंताएं रहती हैं डेंगू फीवर के साथ। पहली चिंता ये होती है कि प्लेटलेट्स काउंट जो है वो एकदम से कम होने लगता है। तो प्लेटलेट्स काउंट कम होगा तो पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाएगा, और बाद में प्लेटलेट्स बहुत लेट बढ़ता है, और कभी कभी प्लेटलेट्स काउंट इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि पेशेंट की जो है वो मृत्यु भी हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। प्लेटलेट्स काउंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्लेटलेट्स काउंट जो है आपका 1 लाख से कम ना हो, और कम से कम तो 90 या 70 हज़ार तक तो रहे। 1 लाख से प्लेटलेट्स काउंट को कम होने ना दें। अगर 70 हज़ार तक आ गया है डॉक्टर से ज़रूर मिले, तो 1 लाख का आप आंकड़ा रखें। अगर 1 लाख से आपके ब्लड में प्लेटलेट्स काउंट कम होते हैं तो देन फिर आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। दूसरा कंसर्न ये होता है कि अगर डेंगू फीवर ठीक हो गया है, अपने आप ठीक हो जाता है, लगभग मान के चलिए कि 70% केसेस में अपने आप ठीक हो जाता है। अगर 10 लोगों को हुआ है तो 7 लोगों को जो डेंगू फीवर है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है 7-8-10 दिन में। उसके बाद क्या होता है कि जो 3 लोग जो बचे हैं, 3 लोग, उनको क्या होता है कि हेमरेजिक डेंगू फीवर होता है, अचानक से कुछ लक्षण आने लगते हैं। पहला लक्षण है कि उसका बुखार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा लक्षण है दोस्तों कि उसको रेस्टलेसनेस, मतलब वो एक जगह बैठे नहीं रह पाता है। और तीसरा लक्षण है दोस्तों कि उसको पेट में दर्द होना चालू हो जाता है, और फिर उसके शरीर से दोस्तों खून जो है वो बाहर निकलने लगेगा,
खून जो है वो रिसने लगेगा, और रिसेगा कहाँ, हमारे स्किन में, खासकर हमारे यहाँ पर हाथ में। यहाँ पर खून का एक आपको नीला कलर का और लाल कलर का थक्का दिखेगा जो कि हाथ से स्किन से रिसता हुआ बाहर तक आएगा। एक ब्लिस्टर, एक आपको उभरा हुआ जगह दिखेगा जहाँ पर नीलापन पूरा पड़ा रहेगा और वहाँ पर लाल भी पड़ा रहेगा। हो सकता है दोस्तों कि आपके नाक से खून निकले और नाक से बहुत ज़्यादा नोज ब्लीडिंग हो। जब ये प्रॉब्लम होगी तो उसके बाद धीरे धीरे प्लेटलेट्स काउंट और कम होता जाएगा और पेशेंट जो है वो शॉक में चले जाएगा और कोमा में भी जा सकता है। अगर उसको अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिला है, अच्छे तरीके से मैनेजमेंट नहीं हुआ उसका हॉस्पिटल में, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, उसकी डेथ भी हो सकती है। दोस्तों अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है डेंगू फीवर के लिए। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथी में डेंगू फीवर के लिए यूपेटोरियम पर्फ। यूपेटोरियम पर्फ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है डेंगू फीवर में, खासकर अगर प्रिवेंशन करना हो। अगर आपके शहर में बहुत ज़्यादा डेंगू फीवर हो और आप चाहते हैं कि आपके घर में या आपके बच्चों को डेंगू फीवर ना हो, तो आप यूपेटोरियम पर्फ 200 दे सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो 30 दीजिए, अगर बड़े हैं तो 200 में दीजिए। 30 में दो बूंद सुबह शाम और 200 में दो बूंद सुबह सुबह आपको डायरेक्टली देना है। ये मान लीजिए यूपेटोरियम पर्फ है, मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। और यूपेटोरियम पर्फ दो बूंद सुबह शाम ऐसे लेना है 30 पोटेंसी में, और यूपेटोरियम पर्फ 200 पोटेंसी में दो बूंद सुबह सुबह लेना है। जब तक डेंगू आपके शहर में चलता है तब तक आप लीजिए, आपको कभी भी डेंगू नहीं होगा दोस्तों। यूपेटोरियम पर्फ का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्षण होता है डेंगू के लिए वो होता है कि बुखार होना, साथ ही साथ आपके पूरे शरीर में बदन दर्द होना। बहुत ज़्यादा बदन दर्द होता है और बुखार होता है, खासकर आपके जो जॉइंट्स होते हैं, जो आपके जोड़ होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो तो यूपेटोरियम पर्फ बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अब दोस्तों अगर आपको डेंगू हो गया है, डेंगू की प्रॉब्लम हो गई है और अभी अभी पता चला है आपको बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द है, साथ ही बुखार है, साथ ही हेडेक है, तो आप यूपेटोरियम पर्फ 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। दो बूंद दिन में 3 से 4 बार लेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। दूसरी मेडिसिन है जो कि इफेक्टिव है डेंगू फीवर में, वो है जेलसीमियम। अगर आपको बुखार के साथ साथ बहुत ज़्यादा वीकनेस हो, बहुत ज़्यादा आपको कमज़ोरी हो, बहुत ज़्यादा डलनेस हो, बहुत ज़्यादा आपको थकान सी महसूस हो और आप उठ नहीं पा रहे हो डेंगू फीवर के कारण, तो जेलसीमियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो जेलसीमियम आप लीजिए, और जेलसीमियम 30 पोटेंसी में लीजिए। 30 पोटेंसी में दो बूंद दिन में 3 बार लीजिए, सुबह दोपहर शाम। दोस्तों अब मैं आपको अलग अलग लक्षणों के ऊपर मेडिसिन बताऊंगा। डेंगू फीवर में अलग अलग लक्षण होते हैं, तो सबसे पहला लक्षण ये होता है कि आपको डेंगू फीवर के साथ साथ बहुत ज़्यादा दर्द होता है पूरे शरीर में। अगर आपको ये लक्षण होता है तो 3 मेडिसिन आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होती हैं। पहली है यूपेटोरियम पर्फ 30 पोटेंसी में, 2 बूंद दिन में 3 बार लीजिए। दूसरी मेडिसिन है रक्सटॉक्स। रक्सटॉक्स में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा दर्द होता है पूरे शरीर में, पूरे बदन दर्द बहुत ज़्यादा होता है। रक्सटॉक्स बुखार के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, तो रक्सटॉक्स आपको 30 पोटेंसी में लेना है, 2 बूंद दिन में 3 बार, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द और भी दर्द रहता है तो आप ब्रायनिया भी ले सकते हैं। ब्रायनिया 30 पोटेंसी में लेना है, मैं यहाँ पर सब पिक्चर लगाते जाता हूँ तो आप देखते जाइए सिर्फ, और वो मेडिसिन अच्छे से लिख लीजिएगा। तो ब्रायनिया 30 2 बूंद दिन में 3 बार आपको लेना है। 3 मेडिसिन आप याद रखिए, यूपेटोरियम पर्फ 30, रक्सटॉक्स 30 और ब्रायनिया 30। अगर आपको बुखार के साथ बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो ये 3 मेडिसिन आप लेंगे, लगभग 5 दिन के अंदर डेंगू फीवर आपका ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो डेंगू फीवर का दूसरा लक्षण सरदर्द होता है। अगर बहुत ज़्यादा आपका सर फटा ही जा रहा है, बिल्कुल डेंगू फीवर और बुखार है और सर बिल्कुल फटा जा रहा है, तो आपको फिर बेलाडोना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। बेलाडोना 30 लेना है। बेलाडोना 30 2 बूंद दिन में 3 बार आप लीजिए, साथ में यूपेटोरियम पर्फ 30 लेना ना भूलिए, क्योंकि यूपेटोरियम पर्फ 30 आपको लेना ही पड़ेगा। यूपेटोरियम पर्फ 30 2 बूंद दिन में 3 बार। दोस्तों अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आने चालू हो गई हैं डेंगू फीवर के साथ साथ, और बहुत ज़्यादा नौशिया, मतलब बहुत ज़्यादा मितली आ रही है, तो आप फिर इपिकॉक 30 यूज़ करें। इपिकॉक 30 आप यूपेटोरियम पर्फ 30 के साथ यूज़ करें। यूपेटोरियम पर्फ 30 2 बूंद दिन में 3 बार, साथ में इपिकॉक 30 2 बूंद दिन में 3 बार। तो इपिकॉक 30 2 बूंद दिन में 3 बार यूज़ करेंगे, लगभग जब उल्टी बंद हो जाए तो फिर इपिकॉक 30 बंद कर दीजिएगा। ये लेकिन यूपेटोरियम पर्फ 30 जो है हर
केस में आपको चलाना है जब तक पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए, चाहे वो सर दर्द हो चाहे वो बदन दर्द हो। तो यूपेटोरियम पर्फ 30 तो आपको चलाना ही चलाना है। अगर उल्टी ज़्यादा होती है तो आप इपिकॉक 30 यूज़ करें, 2 बूंद दिन में 3 बार, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों अब चलते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर की तरफ, कि अगर आपको डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाता है और आपके नाक से खून बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, आपके हाथों से खून ज़्यादा निकलने लगता है और आपका पेट जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है, आप बहुत ज़्यादा डल हो गए हैं, तो आपको क्या मेडिसिन यूज़ करना चाहिए? तो सबसे पहली मेडिसिन है चाइना 30, उसको यूज़ करें 2 बूंद दिन में 3 बार। दूसरी मेडिसिन है हेमामिलिस 30, उसको यूज़ करें 2 बूंद दिन में 3 बार। तीसरी मेडिसिन है यूपेटोरियम पर्फ 30, उसको यूज़ करें 2 बूंद दिन में 3 बार। और चौथी मेडिसिन है लैकेसिस 200, तो लैकेसिस 200 को आपको 2 बूंद सुबह सुबह यूज़ करना है और बाकी ये 3 मेडिसिन आपको 2 बूंद दिन में 3 बार यूज़ करना है। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों अगर आपको हेमरेजिक फीवर हो गया है। और दोस्तों अगर आपको डेंगू हेमरेजिक फीवर हो गया है तो डॉक्टर की निगरानी में ही दवा लें, डॉक्टर से कंसल्ट करना, डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल भी ना भूलें और डॉक्टर के पास जाके उसकी निगरानी में ही दवा लें। साथ ही साथ अगर आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं वहाँ भी, तो आप ये मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं, इससे आप ठीक हो जाएंगे, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों 2 मदर टिंचर भी आपको यूज़ करना चाहिए डेंगू फीवर के केस में। पहला है कैरिका पपाया मदर टिंचर। दोस्तों कैरिका पपाया मदर टिंचर का मतलब होता है पपीते से बना हुआ मदर टिंचर। और दोस्तों प्लेटलेट्स काउंट डेंगू में बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और उसके कारण भी बहुत सारी मृत्यु हो रही है प्लेटलेट्स काउंट कम होने के कारण। प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने के लिए दोस्तों कैरिका पपाया मदर टिंचर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर आपको डेंगू फीवर हो गया है तो आप कैरिका पपाया मदर टिंचर ज़रूर लें, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि ये पपीता से बनी है। और पपीता अगर आपको मदर टिंचर ना मिले तो आप पपीता ज़रूर खाएं, तो पपीता खाएं, हरा पपीता, आप पका पपीता और पपीते का आप पत्ती खाएं, पपीते का जड़ खाएं। अगर आपको डेंगू फीवर है तो पपीते का सेवन ज़रूर करें और कैरिका पपाया मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार ज़रूर लें। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों ऑसिमम सेंग, मतलब तुलसी, तुलसी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ऑसिमम सेंग मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, अगर आपको डेंगू फीवर है तो इसको लगातार लेते रहना चाहिए, इससे प्लेटलेट्स काउंट जो है वो बढ़ता है, साथ में आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आपको हेमरेजिक जो डेंगू फीवर होता है वो होगा ही नहीं और आपका डेंगू फीवर वहीं 7 दिन में ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको डेंगू फीवर है तो फिर ऑसिमम सेंग मदर टिंचर लेना ना भूलें। अगर ना मिले आपको तो घर पे तुलसी लगी रहती है, तुलसी का सेवन डेली करें, तुलसी को थोड़ा सा निकाल लें, उसको रस बना के उसको पिएं सुबह दोपहर शाम। दोस्तों ये थी डेंगू फीवर की होम्योपैथिक मेडिसिन और बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों मैंने आपको बताया है। डेंगू फीवर बहुत ज़्यादा फैल रहा है और हर साल होता रहता है, तो आप लोग अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेडिसिन नोट कर लें घर पे एक डायरी में और रख लें, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है आपको ये मेडिसिन की। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिए जितना भी हो सके, फेसबुक और अपने व्हाट्सएप वगैरह जो भी अकाउंट में आप शेयर करना चाहे ज़रूर शेयर कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया तो कमेंट करना बिल्कुल मिलेगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।